हेलो फ्रेंड्स, तो आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो है बड़ा ही सिंपल सा कि बहुत बार हम लोग प्लेन एयर के लिए जाते हैं तो कुछ नहीं मिलता। जरूरी नहीं कि आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉम्पिटिशन उठानी है। कई बार क्या होता है कि जैसे मैं हिल्स में जाता हूँ तो वहाँ जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे ट्रीज होते हैं, थोड़ी सी चोटियाँ होती हैं पहाड़ों की और कुछ फिगर्स नजर आती हैं। आप चाहो तो उन्हीं को ही कंपोज करके एक पेंटिंग बना सकते हो, क्योंकि जो बिगनर्स है अगर वो शुरू में ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट उठाएंगे तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो बड़ा ही सिंपल है, उसी को स्टार्ट करते हैं। आपको हेल्प मिलेगी प्लेन एयर करने के लिए। ठीक है, तो चलो कैमरा स्विच करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बिल्कुल प्लेन वॉश, पानी का एक वॉश दे दिया। तो मैं बता दूं कि जो पेपर है वो है चितरपट, ठीक है, और 100% कॉटन है। 440 GSM यूज़ कर रहा हूँ। तो ये सिंथेटिक हेयर ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, फ्लैट ब्रश 3 इंच का वॉश के लिए। अल्ट्रामरीन ब्लू लिया, थोड़ा इसमें वाइट ऐड कर लिया ताकि वो थिक हो सके। मुझे थोड़ा सा थिक चाहिए और लाइट भी चाहिए इस वजह से। चलो ट्राई करते हैं। अक्सर इस तरह से होता है कि क्लाउड्स तो नजर आ ही रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम है जब तक हमें कुछ कंपोज्ड कॉम्पोजिशन नहीं मिलती तो हम तब तक पेंटिंग नहीं स्टार्ट करते। तो मेरे ख्याल में वार्म अप करने के लिए आपको इस तरह का कुछ भी लेआउट कर लेना चाहिए। इस तरह की पेंटिंग आपको हेल्प करेगी कॉन्फिडेंस लाने के लिए। भी थोड़ा सा येलो ले रहा हूँ। ये ऑर्डिनरी ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, ये किसी पर्टिकुलर ब्रांड का नहीं है, तो आप भी कर सकते हो ऐसे। चलो अब ड्रायर से सुखाते हैं इसको। सुखाने के बाद कलर्स काफी लाइट हो चुके हैं, इस वजह से अभी हमें थोड़ा सा मिडल टोन्स और डार्क टोन थोड़ी डार्क करनी पड़ेंगी। तो येलो और थोड़ा सा ग्रीन ऐड करके पहले यहाँ से, तो यहाँ से थोड़ी शार्पनेस भी आएगी ताकि ये फोकल पॉइंट हो सके कि एरिया में फोकस है। क्या ये देखिए चोटी बन गई पहाड़ी की। अभी थोड़ा सा पाइंस ग्रे और बर्न सेना लेके और तो लाइट रेड रेड भी यूज कर लेते हैं, थोड़ा ब्लैक ब्राउन का थोड़ा सा डार्क टोन लगे यहाँ।
क्रॉप्स, भी छोटी छोटी डिटेल्स के ब्यूटीफाई करेंगी पेंटिंग को। थोड़े से डार्क कलर्स के ड्रॉप्स गिराऊं, तो गिराने से वो थोड़ा सा इफेक्ट आ गया पहाड़ी चोटी पे, थोड़ा ग्रास और सूखा सा फील होना चाहिए। अब एक काम करते हैं, ट्री बनाते हैं। चलिए तो कोई सॉफ्ट सा ब्रश यूज करेंगे। इस सॉफ्ट ब्रश से ही जो ट्रीज है काफी अच्छे बन जाते हैं, इसलिए मैं, ये काफी ज्यादा ही सॉफ्ट है, काफी हद तक इसकी टहनी अपने आप ही, ये देखिए अपनी मर्जी से चलती है। अभी ये इसके बारे में पूछेंगे बहुत बड़ी, तो मुझे ये देख ली, कोई नाम नहीं इसके ऊपर, मुझे इस तो कहीं से ढूंढना नहीं पड़ा, यही लोकल शॉप्स पे इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। अभी ट्री तो बन गया है, अगर इस पे थोड़े से पत्ते लगाने हैं तो थोड़े से पत्ते भी बना सकते हैं, वैसे तो अच्छे लगेंगे नहीं। ट्राई तो करनी चाहिए, हर जगह सूखे ट्री थोड़ी होंगे। देखिए ट्री काफी भरा भरा सा लगना शुरू हो गया, पर अच्छा भी लग रहा है मुझे तो। पहाड़ी चोटियों पे इस तरह काफी जगह पे ट्रीज मिल जाते हैं, इसे सुखा के एक बार फिर आगे की डिटेल्स करते हैं। अभी डार्केस्ट स्टोन्स लगाएंगे, इसके लिए थोड़ा सा ब्लैक भी यूज करूँ, थोड़ा क्रिम्सन, थोड़ा सा ब्लू, तो ट्रीज में भी।
बाद पत्थर जहां पे पड़े हैं। टीवी बन गया थोड़े से पत्थरों का इफेक्ट, जहां भी थोड़ा सा कोई लाइट प्लेस दिख रहा है वहां पे थोड़ा सा शेडो देके पत्थर बना देंगे। चलो अब फिगर बनाते हैं एक दो। तो व्हाइट कलर लिया, थोड़ा सा विरिडियन ग्रीन, सॉरी विरिडियन ग्रीन, ये थोड़ा इन्हें रेड लेके, सॉरी लाइट रेड लेके थोड़ा सा फिगर। तो यहाँ पे पत्थर पे बैठी हुई बना दी। और एक फिगर इसके सामने खड़ी बना दी। देखो फिगर्स भी आ गई हैं और पत्थर ट्री, मतलब वो सिंपल सी एक लोकेशन है, उसी को हमने कैसे एक पेंटिंग के रूप में ले लिया। यही अब ट्राई करते हैं एक बकरी बनाने की, मैंने कभी ट्राई नहीं की। एक आदि और फिर थोड़ा सा और आर्टवर्क अच्छा लगना शुरू हो गया। तो ये दो तीन जानवर बना दिए, तो आर्टवर्क थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग लगना शुरू होता है। थोड़े से बर्ड्स बनाते हैं,
चलो फिर सिग्नेचर करते हैं। ठीक है 10 11 23 ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करिए खूब, जितनी कर सकते हैं। चलो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते जाइए, जब तक प्रैक्टिस करेंगे तब तक आपका हाथ चलता जाएगा। जितना हाथ चलेगा उतना ही आर्टवर्क अच्छा होगा। सो मेरी बेस्ट विशेज हैं, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।